हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो फ्रॉम हेल्थ रैडर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रीम की, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि बहुत मतलब जिस क्रीम की डिमांड बहुत लोगों ने की थी और जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम बात करें इसके मैन्युफैक्चरर कंपनी की, तो GSK यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का ये प्रोडक्ट है, जो कि अगर हम बात करें फार्मा कंपनीज की, तो एक टॉप लेवल की कंपनी है। टॉप 5 में या फिर टॉप 2 में ये कंपनी आती है। तो बिल्कुल बेस्ट कंपनी है जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है, बेटनोवेट एन का। अब चलिए सबसे मेन थिंग इसके कंटेंट की बात करते हैं, किस चीज़ों से ये क्रीम बना है। तो जैसे कि इसका नाम है बेटनोवेट एन, तो एन फॉर नियोमाइसिन। तो इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है नियोमाइसिन। अब नियोमाइसिन जो का जो यूज़ है वो एज अ एंटीबैक्टीरियल यहाँ पर यूज़ होता है। इसे यूज़ किया गया है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो इसी की वजह से इसका क्रीम का भी जो मेन यूज़ होता है वो एज अ एंटीबैक्टीरियल होता है। और चलिए बात करते हैं सेकंड कंटेंट की, जो कि प्रिजर्वेटिव है, वो है कोलेस्टेरोल। तो ये यहाँ पर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बीटा मिथासोन भी मेन इंग्रेडिएंट बोल के यूज़ हुआ है। तो बात करते हैं इस क्रीम के यूज़ की, कि क्या इसका यूज़ होता है। तो इसके अगर हम यूज़ की बात करें, तो आप में से कई लोगों को पता ही होगा, पर कई लोग जो है वो इसका जो रॉन्ग यूज़ भी करते हैं। इसमें जो है बीटा मिथासोन होने की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ये गोरा होने के लिए काम में आएगा या फिर एक्ने वगैरह रिमूव करने के लिए काम में आएगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे बिल्कुल भी आपके एक्ने जो है ठीक नहीं होगे। आपकी जो स्किन है इससे वाइट तो हो सकती है, पर इससे बहुत प्रॉब्लम वो कॉज कर सकती है। मतलब एक क्रीम आपकी स्किन को बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। ज़्यादातर तो ऐसी एडवाइस दी जाती है कि ये जो क्रीम है आपको फेस पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि फेस की जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, बहुत बारीक होती है, जिससे कि अंदर पेनिट्रेट होने के चांसेस इस क्रीम के बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर ये पेनिट्रेट होता है तो आपको इंटरनली भी बहुत प्रॉब्लम इससे कॉज हो सकते हैं। और इसे जो 1 ईयर से लेस चिल्ड्रन है उनमें भी यूज़ करने का नहीं कहा गया है। और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जिस पर्सन को किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसे वो अगर इस क्रीम को ना ही यूज़ करे तो बहुत ठीक हो सकता है। पर अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो बिल्कुल आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इम्पेटिगो या फिर एथलेट फुट वगैरह के जो इसके जैसे जो डिसीज़ है, इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। पर इसका जो यूज़ है वो मेनली आप इसे यूज़ कर सकते हो जो कि इन्फेक्शन होते हैं आपके स्किन को, एक्जिमा वगैरह, सोरासिस की तरह जो इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पर ये क्रीम बहुत रैपिडली अपना इफेक्ट बताता है, जल्द से जल्द ये इफेक्ट बता देता है। पर आप अगर ये जानना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है, तो इसके लिए बेस्ट आप डॉक्टर की एडवाइस ले लीजिए। पर अगर आप नहीं ले रहे हैं डॉक्टर की एडवाइस, तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में इसे यूज़ कीजिए। रेगुलरली तो मतलब डेली बेसिस पे इसे यूज़ नहीं ही करें तो अच्छा है, पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। पर विदाउट डॉक्टर की प्रायर परमिशन लिए बगैर आप इस क्रीम को ना ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, कि क्या कौन सी प्राइस पर आपको ये मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ इसकी बिल्कुल सिंपली प्राइस दी गई है, जो कि है 25.10, यानी कि 25 रुपये तक के आपको ये जो है प्रोडक्ट GSK का मिल जाएगा। और अगर एक्सपायरी की बात करें, तो जो कोई भी एंटीबैक्टीरियल क्रीम होते हैं या फिर इस तरह की क्रीम होते हैं, उसकी मेनली तो वो 2 ईयर यानी कि 24 मंथ की एक्सपायरी दी गई होती है। उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ की यहाँ पर होती है। तो इसकी भी बिल्कुल 24 मंथ की यहाँ पर है। और अगर बात करें इसकी स्टोरेज की, तो आपको कूल ड्राई प्लेस में रखना है, डायरेक्टली सनलाइट को इसे एक्सपोज नहीं करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल भी इसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो वहाँ पर लॉस हो सकते हैं। और यह बताया गया है कि इसे एक्सटर्नली यूज़ करना है, जो कि आपको सभी को पता ही है। तो चलिए करते हैं इसे ओपन और देख लेते हैं किस तरह का एक क्रीम है और क्या क्या बॉक्स में आता है। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर बॉक्स में आपको इसके साथ एक जो लिफलेट आती है वो तो फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं इस क्रीम को यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद ही आपके लिए यहाँ पर ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो चलिए बता देता हूँ आपको किस तरह। यहाँ पर एक कोलैप्सिबल ट्यूब में पैक किया गया है, मेटल कोलैप्सिबल ट्यूब, तो यहाँ लीकेज के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। नीचे से इसे बिल्कुल पैक किया गया है। और अगर हम बात करते हैं ये इसकी लुक की, तो देखिए सिंपल, यहाँ सामने बेटनोवेट एन लिखा गया है, क्वान्टिटी है 20 ग्राम, पीछे इसकी प्राइस वगैरह दी गई है 25 रुपीज़, और बताया गया है कि शेड्यूल एच ड्रग है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसे नहीं सेल करना है। और अगर हम बात करते इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, तो वही यहाँ पर लिखा है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी कि GSK, जो कि टॉप की कंपनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, इस तरह का एक क्रीम है। बस अब इसे हम कर लेंगे ओपन। और सिंपली आपको ओपन करने के लिए, वैसे तो मैं यहाँ सील इसका फोड़ चुका हूँ, पर आप अगर न्यू लेते हैं तो यहाँ सील पैक होगा। तो बिल्कुल सिंपली यहाँ जो है आपको ये पीछे की साइड जो है वही यहाँ पर आपको इसमें डालनी है, और थोड़ा सा प्रेस करते ही ये क्रीम ओपन हो जाएगा।
तो चलिए मैं आपको थोड़ा क्रीम निकाल कर बता देता हूँ। देखिए इस तरह बिल्कुल वाइट ये क्रीम है, बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पर आपको लगेगा, और थोड़ा कोल्ड है ये, क्योंकि जो है इन्फेक्शन आप अगर अप्लाई करते हैं तो इरिटेशन ना हो, इसलिए इसे थोड़ा इसमें कुछ कोल्ड रखा गया है। तो देखिए इस तरह का क्रीम है, बिल्कुल स्टिकी तो नहीं है, और विस्कोसिटी की अगर बात करें तो थोड़ा ये विस्कस है पर स्टिकी बिल्कुल नहीं है। तो सिंपली आप इसे अप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद कुछ बिल्कुल थोड़ी देर में जो है यहाँ से ये बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल पेनिट्रेट तो नहीं पर ये थोड़ा एब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है। तो बिल्कुल रैपिड इफेक्ट बताएगा ये क्रीम, जिस तरह की मैंने आपको कुछ डिसीज़ बताया उसमें, जिस तरह इन्फेक्शन बताया उसमें, पर अगर आप इसका रॉन्ग यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो इसे यूज़ करने के बाद आपको अपने हाथ वगैरह कंप्लीटली वॉश कर लेना है, क्योंकि अगर ये आपको इंटरनली आप स्वेलो कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर मैं फिर आपको एक बार कहूँगा, इसका यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इसे सिंपली यूज़ कीजिए। पर अगर बात करें मेरे ओपिनियन की कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं, तो जी हाँ ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बेस्ट है। अगर आपको कुछ इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पर आप अगर एक्ने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या फिर अपने फेस के स्किन पे इसे यूज़ करते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका कीमती वक्त निकाल निकाल के देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।